नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की सियासत में जदयू और भाजपा के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। ये बात आपको हम जितनी बार बता सकते हैं उतनी बार हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, चाहकर भी सरकार के दोनों बड़े घटक दल आपस में समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है नीतीश कुमार भाजपा के लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। यहाँ तक कि राज्यपाल द्वारा बुलाए गए सर्वदलीय बैठक में भी जब भाजपा के लोगों ने राय दी तो विपक्ष की तरह भाजपा के नेताओं की राय को भी नीतीश कुमार ने अनदेखी कर दी और उन्होंने लॉकडाउन और वीकेंड कर्फ्यू के बजाय बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दिया। अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं ये आम चर्चा हो गई है कि कोर्ट ने नीतीश कुमार को फटकार भी लगाई है और बिहार में लॉकडाउन की स्थिति नीतीश कुमार कोर्ट के डर से लगाए हैं। अगर नीतीश कुमार एक दिन और फैसला डिले कर देते लॉकडाउन का तो कोर्ट ही बिहार में लॉकडाउन लगा देती। अब इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं मोरल विक्ट्री तो भाजपा की हुई, इसलिए संजय जायसवाल ने फेसबुक पर बिना किसी का नाम लेते हुए लिखा था कि चूंकि लॉकडाउन को लेकर मैंने बहुत पहले ही ये बात कह दी थी कि 40,000 लोग ही अभी बिहार में पॉजिटिव हैं, अगर हम अभी लॉकडाउन लगा देते हैं तो बिहार में इससे ज़्यादा जो चेन है कोरोना की वो नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन अब जब 1,00,000 से ऊपर हो गए हैं और लॉकडाउन लगाया गया है, ठीक है देर से ही लगाया गया लेकिन लॉकडाउन लगा ये अच्छी बात है। अब हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कोई भी लॉकडाउन के दौरान तकलीफ जनता को न हो। अब इसके बाद उन्होंने अंत में एक लाइन लिख दी कि उन नेताओं को भी आज कहीं ना कहीं सद्बुद्धि आ गई होगी, उनका ज्ञान खुल गया होगा कि जो कल तक हिमायती बन रहे थे मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि मैं राजनीति कर रहा हूँ उस मुद्दे पर। इसके बाद बताया जाता है कि इसे पर्सनली लेते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर ट्विटर का रुख करके हमला कर दिया भाजपा पर और उन्हें संजय जायसवाल को ये लिख दिया कि ये मगजमारी करने का वक्त नहीं है, आपस में लड़ने का समय नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने राजनीति करने का आरोप लगाया था संजय जायसवाल पर और इस बार उन्होंने आरोप लगा दिया कि आप आपस में लड़ने का कोशिश कर रहे हैं जो कि इस वक्त उचित नहीं है, आप अपने क्षेत्र के लोगों की सहायता कीजिए। अब बताया जाता है कि भाजपा के नेता ने सुबह सुबह ही प्रवक्ता ने हमला कर दिया था उपेंद्र कुशवाहा पर, बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा के पेट में गांठ है, उन्हें बंगाल में भाजपा की हार चक्रव्यूह तोड़ने जैसा लगता है। ये सारी समस्याएं उनकी व्यक्तिगत हो सकती हैं लेकिन हमारा जदयू के साथ गठबंधन है और इस गठबंधन धर्म के चलते हम एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी समझी जा सकती है, वो अपने नेता को खुश करने के लिए ये बातें कह रहे हैं। इससे पहले भी भाजपा ने उन्हें नया मुल्ला कहा था और कहा था कि नया मुल्ला है इसलिए ज्यादा प्याज खाएंगे। इन सारे हमलों की तरह अब खबर ये आ रही है कि संजय जायसवाल ने फिर एक बार फेसबुक पर जवाब दे दिया है उपेंद्र कुशवाहा को। इस बार भी संजय जायसवाल ने राजनीति की मर्यादा समझते हुए उनका नाम नहीं लिया है और अपने फेसबुक वॉल पर उन्होंने बहुत सारे डिटेल्स शेयर किए हैं और बताया है कि कैसे अपने क्षेत्र की जनता की सहायता वो लगातार कर रहे हैं, जनता के सुख दुख में खड़े हैं। वहीं आपको बता दें कि जब उपेंद्र कुशवाहा ने ये सारे हमले किए थे कल ट्विटर पर तो उन्होंने एक लाइन जरूर में ऐड कर दी थी कि इस वक्त मगजमारी आपस में ना करके अगर आप लोगों की सहायता करते तो इससे ज़्यादा हेल्प हो पाता सरकार का, इससे आप एक अच्छे गठबंधन के नेता के तौर पर अपनी जो मर्यादा है उसका पालन कर सकते थे। आपको बता दें कि कल भी हमने आपको बताया था कि लगातार बिहार के कुछ नेताओं में से एक संजय जायसवाल ऐसे नेता हैं जो फेसबुक के माध्यम से अपने क्षेत्र में हो रहे कार्यों को लगातार दिखा रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने मंगल पांडे से मिलकर बेतिया के लिए ऑक्सीजन प्लांट की डिमांड की थी और बेतिया में बंद पड़े एक ऑक्सीजन प्लांट की उन्होंने शुरुआत भी की थी, जिसकी वजह से बताया जाता है कि बेतिया में ऑक्सीजन को लेकर आत्मनिर्भरता बढ़ी। अब जो उन्होंने तस्वीर सामने साझा की है फेसबुक पर और जो बिना मतलब नाम लिए एक तरह से हमला किया है उपेंद्र कुशवाहा पर, उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। संजय जायसवाल अपने फेसबुक पर लिखते हैं, आज बेतिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट एवं वरीय चिकित्सकों के साथ बैठक किया, कोरोना के अनुकूल मेडिकल व्यवस्था और संसाधनों की समीक्षा विमर्श किया और रोकथाम के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की गई। आज से बेतिया में 70 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन चालू हो गए हैं, इसमें 30 कंसंट्रेशन मशीन 10 लीटर कैपेसिटी की क्षमता के हैं और इंडियन ऑयल बेतिया में 500 लीटर प्रति घंटे की क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट 60 दिनों के भीतर लगाएगा। हारेगा कोरोना, जीतेगा बिहार। यानी कल जो आरोप लगा रहे थे सीधे तौर पर जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो संजय जायसवाल पर कि वो राजनीति कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के लोगों की ध्यान नहीं दे रहे हैं, इन सब का सीधे तौर पर उन्होंने जवाब दे दिया और बताया है कि मैं तो अपने क्षेत्र के लगातार काम कर रहा हूँ।
आप लोग क्या कर रहे हैं, जदयू के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। कल भी संजय जायसवाल ने अपने सारे इस हमले के दौरान, जब उन्होंने हमला किया उपेंद्र कुशवाहा पर, उस दौरान भी ये बात उन्होंने लिखी थी कि भाजपा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी से आग्रह करता हूं कि अपने क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखें, हमें फिर से चुनाव में इन्हीं लोगों से वोट लेना है। ये कहीं ना कहीं ओपन ऑल आउट वॉर हो चुका है। जिस तरीके से नीतीश कुमार और भाजपा दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जा रहे हैं हर मुद्दे पर, ये बड़ा मुश्किल है ये तय कर पाना कि ये गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा। हालांकि ये जरूर लग रहा है कि इस तरीके से गठबंधन की जो आयु है वो बहुत कम हो जाती है। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार ने कहीं संरक्षण दे रखा है उपेंद्र कुशवाहा को, या उपेंद्र कुशवाहा अपने नंबर बढ़ाने के लिए खुद ही नीतीश कुमार की तरफ से मोर्चा संभाले हुए? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, आप अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।